ठीक है, नमस्कार। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो स्थल मंडल है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लिथोस्फियर, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ। तो ये पांचवा लेक्चर होगा एनसीईआरटी की जो सीरीज है ज्योग्राफी की, उसमें तो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत इसको बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो स्थल मंडल है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो स्थल मंडल के डेवलपमेंट को समझने से पहले आपको जानना होगा ये जो स्थल मंडल है, ये जो लिथोस्फेयर है, वो आखिर इसको उसको कहते किसको हैं। तो देखिए, लिथोस्फेयर एक टर्म है, एक है एस्थेनोस्फेयर, वो अलग अलग टर्म है। आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, वो आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। समझिए कि एक ऊपर होता है, सबसे पहले क्रस्ट होता है पृथ्वी में एक लेयर, उसके बाद मेंटल होता है, और उसके बाद होता है कोर। ठीक है, तो क्रस्ट का मतलब है कि ये जो हिंदी में इसको बोलते हैं भूपरपटी, भूपरपटी। अब ये जो ऊपर वाला आप परत देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक जहां पे आप पर्वत है, पहाड़ है, समुद्र है, वो भूपरपटी पे स्थित है। भूपरपटी में अगर हम थोड़ा सा हिस्सा ले लें मेंटल का भी, तो उस पूरे हिस्से को बोलते हैं लिथोस्फेयर या फिर स्थल मंडल। आसान भाषा में आप ये समझिए कि पृथ्वी की सतह से लेकर के 200 किलोमीटर तक की जो गहराई का हिस्सा है उसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। इसी पे पहाड़, मैदान, ये सारी चीजें स्थित है। सबसे आप यही समझिए बस अभी फिलहाल, इसको जो ऊपरी 200 किलोमीटर तक का हिस्सा है उसको लिथोस्फेयर या फिर उसको स्थल मंडल बोलते हैं। सवाल ये उठता है कि इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। पृथ्वी में, पृथ्वी कई अवस्थाओं से गुजरी है, तो ये कब बना और कैसे बना, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। आप पीछे वाले लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आपको ये सब समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप सीधे चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। तो जब ग्रह बने, तो ग्रह कैसे बने थे, मैंने आपको बताया था कि ग्रहों का निर्माण जो हुआ था वो ग्रहाणुओं से हुआ था। ग्रहाणुओं का मतलब है ये, देखिए आप पिक्चर में देखिए, ये बड़े छोटे छोटे जो चट्टानी टुकड़े थे, ये आपस में इकट्ठे होकर के बड़े पिंडों का निर्माण किया, जिसको हमने ग्रह कहा। अब देखिए क्या हुआ कि इन इनमें क्या हुआ कि आकर्षण बल पाया जाता था। कोई भी जिसमें मास होता है, जिसमें वजन होगा, उसमें आकर्षण बल थोड़ा बहुत होगा। इस आकर्षण बल के कारण क्या हुआ कि ये आसपास के जो टुकड़े थे, इन्होंने एक दूसरे को इकट्ठा करना शुरू किया, आकर्षित करना शुरू किया, और ये आपस में टकरा करके जो है वो जुड़ने लगे आपस में। इस टक्कर, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इस टक्कर के कारण क्या हुआ कि ऊष्मा उत्पन्न हुई, हीट उत्पन्न हुआ, और धीरे 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 ये टक्कर बढ़ता गया। जब और बड़े पिंड बनेंगे तो और जो है इसमें से इसमें गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, और आसपास के जो है पदार्थों को ये आकर्षित करेंगे, और धीरे धीरे जुड़ करके ये बड़े पिंड बनते जाएंगे, और अंततः जो है वो ग्रहों का निर्माण हुआ। तो जितने भी ग्रह बने उसमें सबके दौरान भी ऐसा ही हुआ। जाहिर सी बात है, जितना अधिक ताप बढ़ेगा, तो ताप बढ़ने का कारण क्या हुआ कि ये पदार्थ जो थे, ये जो ग्रह बने, वो पिघलने लगे धीरे धीरे, और ये पिघली हुई अवस्था में आ गए। जब पृथ्वी बनी तो इसके उत्पत्ति के दौरान भी ऐसा हुआ, और इस प्रकार इसी के बाद जो है इसमें स्थल मंडल का विकास होगा धीरे धीरे। अब इस स्थल मंडल के विकास को हम लोग दो अवस्थाओं में, दो स्टेजों में देखेंगे। सबसे पहला स्टेज क्या है, आप देखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान भी ऐसा ही हुआ। कैसा, जो मैंने आपको पीछे बताया कि जो ग्रहाणु थे छोटे छोटे टुकड़े, वे आपस में इकट्ठे होकर के जो है वो बड़े पिंडों का निर्माण करने लगे, और इस टक्कर के कारण क्या हुआ कि ऊष्मा उत्पन्न हुई, वो आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टकराने लगे थे। टक्कर के कारण ऊष्मा हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, और तापमान जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इस टेम्परेचर के कारण जो है पृथ्वी जो है वो पिघली अवस्था में, आंशिक रूप से जो है वो द्रव अवस्था में आ गई। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, गली हुई अवस्था में, एकदम पानी नहीं कहिएगा उसको, लेकिन वो ठोस भी नहीं था, वो एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव अवस्था में पृथ्वी जो है वो परिवर्तित हो गई। अब पृथ्वी क्या हो गई कि लगातार घूर्णन कर रही थी, रोटेट कर रही थी। एक देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये एक बाल्टी मान ली, इसमें इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए। अब इस पानी में आप थोड़ी सी धूल और मिट्टी डालिए, आप देखेंगे कि जो धूस धूल में जो छोटे छोटे भारी कण होंगे, कंकड़ होंगे, वो इस पानी, इस बाल्टी की सतह में, तली में बैठ जाएंगे, और जो महीन मिट्टी होगी वो यहाँ पे उसके सतह पे जो होगी वो यहाँ पे जमा हो जाएगी आकर के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है उसके वजन, उसके घनत्व के कारण। ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ इसके नीचे चले जाते हैं, और जो कम घनत्व वाले पदार्थ होते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि जब ये पृथ्वी गली हुई अवस्था में आई, द्रव अवस्था में आई, तो उसमें जो है उसमें पदार्थों, काफी सारे पदार्थ थे, और सारे पदार्थों का घनत्व जो है वो अलग अलग था। इस घनत्व में अंतर के कारण क्या हुआ कि उनका अलगाव, उनका जो है वो डिफ्रेंसिएशन शुरू हो गया, वो अलग होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, उसमें लेयर्स का निर्माण होगा।
इसके कारण क्या होगा कि जो अधिक घनत्व वाले जो पदार्थ होंगे, जो भारी पदार्थ होंगे, वो जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ने लगेंगे और पृथ्वी के केंद्र में जाकर के वो जमा होने लगेंगे। वहीं जो कम घनत्व वाले जो हल्के पदार्थ होंगे वो पृथ्वी की सतह की तरफ जो है वो आकर के जमा होने लगेंगे। इस प्रकार पृथ्वी में क्या होगा कि एक स्पष्ट जो है धीरे धीरे सतहीकरण एक तरह से शुरू हो जाएगा वहां पे। अब जो ये हल्के घनत्व वाले और भारी जो घनत्व वाले पदार्थ थे वो अपने अपने जगह से अलग होकर के केंद्र और सरफेस की तरफ आने लगे, इस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं विभेदन। इस प्रक्रिया को विभेदन बोला गया कि पृथ्वी के अंदर जो है वो पदार्थों का घनत्व के कारण जो है वो अलगाव होना शुरू हुआ। इसे डिफ्रेंसिएशन अंग्रेजी में बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस टर्म को, आप ध्यान रखिएगा। समय बीतने के साथ साथ जो है पृथ्वी धीरे धीरे वो तापमान जो है वो कम हुआ, धीरे धीरे ठंडी हुई और ठोस हुआ। ठोस होने के कारण, ठंडा होने के कारण इसमें संकुचन होगा और आकार में जो है कमी आएगी और धीरे धीरे जो है जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो लिथोस्फेयर है, भूपर्पटी है, उसका जो है वो निर्माण होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पहली अवस्था हुई। सेकेंड अवस्था में क्या हुआ, सेकेंड अवस्था में जो हुआ कि ये जो विभेदन था, विभेदन का मतलब कि तापमान बढ़ा, द्रव अवस्था में पृथ्वी आई और उसमें से लेयरिंग हुई, उसमें से सतहीकरण हुआ, भारी घनत्व वाले नीचे गए और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आए। ये प्रक्रिया पृथ्वी में दोबारा हुई। अब दोबारा होने के लिए ताप का बढ़ना जरूरी है और टेम्परेचर बढ़ने के लिए कुछ भी वैसा चीज़ तो चाहिए ना जिससे टेम्परेचर बढ़े। तो वैसा हुआ कब, जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। मैंने फिर बोला ना कि पिछले लेक्चर्स को आप जाकर के देखिए जहाँ पर मैंने चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बताया है। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से ही हुई है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी में एक बार क्या हुआ कि बहुत जोरदार एक पिंड, ये पृथ्वी है और इसमें एक जोरदार टक्कर हुई किसी पिंड की, वो बाहरी पिंड था। इस टक्कर के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया और वो टूट करके उसके आसपास चक्कर लगाने लगा जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इस टक्कर के कारण क्या, वो चंद्रमा तो बना वो ठीक है, पर इस टक्कर के कारण क्या हुआ कि फिर से जो है पृथ्वी के तापमान में बहुत अधिक जो हो गया वो वृद्धि हो गया, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया पृथ्वी का। और पृथ्वी के में टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या हुआ कि फिर से वो द्रव अवस्था में आई, गले हुए अवस्था में आ गई और विभेदन की प्रक्रिया यहाँ पे फिर से हुई, मैंने पीछे जो आपको बताया विभेदन। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि फिर से यहाँ पे पृथ्वी जो है कई परतों में जो है वो विभाजित हो गई, कई सारे इसमें लेयर बने। इसमें जो पृथ्वी के सरफेस है, धरातल से लेकर कोर तक जो है, वो घनत्व के आधार पर जो डिफ्रेंसिएशन हुआ, परतों का जो निर्माण हुआ है वो घनत्व के आधार पर हुआ है। भारी जो भारीपन और हल्केपन जिसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं उसके आधार पर हुआ है। तो घनत्व के आधार पर पृथ्वी जो है वो कई परतों में बट गई, जैसे तीन जो हम लोग बोलते हैं, एक क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को बोलते हैं परपटी, मेंटल को हिंदी में बोलते हैं परवार और कोर को क्रोड बोलते हैं। ये बाह्य क्रोर और आंतरिक रूसी का हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा आप जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं, ये छोटा सा हिस्सा, ये पतला सा, ये है आपका क्रस्ट है। और ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ तक, वो है आपका मेंटल। और ये जो बीच वाला जो आप पीला वाला भाग देख रहे हैं, ये है आपका कोर। कोर में वही दो भाग है, बाहरी कोर और भीतरी कोर, यहाँ पे वही वैसे ही मेंटल में भी है, बाहरी और भीतरी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाएंगे तो पदार्थों का जो है घनत्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जब भी आप केंद्र की तरफ जो होगा वो घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे 13 के आसपास होता है, यहाँ पे जाएंगे तो 2.7 के आसपास होता है। तो वो धीरे धीरे आप जैसे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, क्रस्ट से लेकर के जब आप कोर की तरफ जाएंगे। तो ये था स्थलमंडल का विकास। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके।